महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के सिंहपुरी क्षेत्र में स्थित अविमुक्तेश्वर महादेव 84 महादेवों में 78वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शाकल के राजा चित्रसेन की पुत्री लावण्यवती को विवाह योग्य देखकर पिता ने उससे ही पूछा, तुम्हारा विवाह किस राजा, राजपुत्र अथवा ब्राह्मण से किया जाए। पुत्री लावण्यवती अपने पूर्व जन्म का भेद जानने के कारण राजा के इस प्रश्न से पहले तो खूब रोई और फिर हंसी। राजा को यह सब देखकर ऐसा लगा कि पुत्री को कोई प्रेत बाधा हो गई है। तब स्वयं पुत्री ने उसकी शंका का समाधान कर कहा, मुझे कोई प्रेत बाधा आदि नहीं है, मैं तो पूर्व जन्म के मिले भीषण कष्टों को याद कर जहां रो रही हूं, वहीं कुछ पुण्य के उदय के बाद जन्म से मिले सुखों के कारण हंस रही हूं। हे पिता, मुझे भविष्य में और कष्ट भोगना नहीं पड़े, इसीलिए मैं महाकाल वन स्थित जरा और मृत्यु से मुक्त करने वाले भगवान आशुतोष की प्रार्थना करना चाहती हूँ। पुत्री की ऐसी बात सुनकर चित्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा सहित पुत्री लावण्यवती के साथ महाकाल वन में आए। लावण्यवती ने तब यहाँ इस दिव्य लिंग की उपासना कर मोक्ष की प्राप्ति की। इस लिंग के दर्शनों से चित्रसेन और चंद्रप्रभा को भी मुक्ति संभव हो सकी। इस लिंग के दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।